बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट वजारत दिफा का ये इदारा है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन इसके लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस जॉब की मुकम्मल तफसीलात रीड करने के लिए सबसे पहले गूगल में आएंगे और गूगल पर आप सर्च करेंगे जॉब्स 24pk.com। सिंपली आप गूगल पर लिखेंगे जॉब्स 24pk.com और इंटर करेंगे तो यहाँ गूगल पे टॉप पे आपको एक वेबसाइट शो होगी, www.jobs24pk.com वेबसाइट। सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ये वेबसाइट आपके पास जैसे ओपन होगी, कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए, मिलिट्री लैंड डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए आप यहाँ पे नीचे लेटेस्ट गवर्नमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे एक पोस्ट फाइंड करेंगे, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट जॉब्स 2020। आप इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। इस पोस्ट में सबसे पहले जॉब की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई है जिसको आपने रीड कर लेना है। इसमें असामियाँ हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसके लिए पे स्केल 14 है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एसटीओ की जॉब्स हैं जिसके लिए पे स्केल 11 है। उसके बाद एसटी मैन है जिसके लिए 11 स्केल है। यूडीसी के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 11 स्केल है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 9 स्केल है। उसके बाद अप्लाई करने का मेथड लिखा गया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इसका ऑफिशियल एड या आप देख सकते हैं और यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। और इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 अप्रैल 2020 है। और यहाँ पे आप तमाम असामियों के नाम जो हैं वो रीड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूटीएस यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।